अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर यार, क्या हाल है यार। आप लोगों ने कहा था कि बाइक के लिए हमें अलग चैनल चाहिए, बाइक के लिए हमने नई ऑडियंस बनानी है, तो भाई आपके लिए हमने ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल बना दिया है और वहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेशली एक्सक्लूसिव बाइक्स का कॉन्टेंट। तो भाई क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके वीडियो एंजॉय करो। पाकिस्तान का सबसे मशहूर 125 है होंडा 125, लेकिन एक और 125 है जिसने आके उसको बड़ी ज़्यादा टक्कर दी है और मार्केट के अंदर छा गया है। तो यार ये है यामाहा का 125G और इसके मेरे साथ ऑनर मौजूद है हैदर भाई। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो इनका नाम हैदर है और यार ये मेरी क्लास फेलो होती थी मुनज़्ज़ा, ये उनके हस्बैंड हैं, तो वो भी छोटी सी हैं, ये भी छोटे से हैं, तो इनके साथ मैंने सोचा कि इनकी बाइक का रिव्यू करें। इन्होंने ताज़ा बाइक ली है, तो सबसे पहले जो मुझे टेंशन थी ना, क्या इन्होंने जो प्राइस बताई थी, इस बाइक की प्राइस क्या है? यार ये मैंने ली थी 266 की। अच्छा, प्लस इसमें 8000 का नंबर है, तो ये ऑलमोस्ट मुझे ऑलमोस्ट 280 तक पड़ गई। 280 की, और अब ये कितने की है? ये अब 292 की, सिर्फ बाइक है। सिर्फ बाइक, और नंबर डाल के 3 लाख की, मतलब यार नंबर डाल के 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। आप कोई फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं ना इस टाइम, अगर कोई बड़ी बाइक या फिर फॉर एग्जांपल कोई क्या कहते हैं हैवी बाइक वगैरह, तो 3 लाख रुपए के अंदर आजकल महरान आती है, दूसरी तरफ आप ये ले सकते हैं। तो यार उसके हिसाब से मुझे लगता है बहुत महंगी बाइक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यार ये आपने बाइक अभी कितना टाइम पहले खरीदी है? यार ये मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए? हाँ। अच्छा, अभी बिल्कुल ताज़ा ली? बिल्कुल न्यू है। ठीक है, और इस बाइक के अंदर ऐसा क्या खास है जो आपने लिया है? यार मुझे ये काफ़ी टाइम पहले से पसंद था काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा, तो आपको पता है अगर लोअर कैटेगरी में हम जाएँ 125 वगैरह में जाएँ, तो उसमें मुझे पर्सनली ये पसंद था। 125 भी था, वो है थोड़ा ज़्यादा स्पीडी बाइक है, उस पर स्पीड है, लुक्स कम है, कंफर्ट लेवल भी थोड़ा सा कम है, बस वो देखते हुए मैंने इसको ले लिया। हालांकि इसके और उसके प्राइस टैग में तकरीबन 1 लाख का डिफरेंस था जब मैंने 15 दिन पहले लिया, मतलब अब ज़्यादा हो गया। सही है, मतलब ये वो जो है तकरीबन, जब मैंने ये ली थी तब वो 177 की थी और ये उस टाइम 266 की पड़ रही थी। ठीक है, और उससे 1 लाख ऑलमोस्ट महंगी थी। तो मतलब यार 3 लाख रुपए के अंदर ये बाइक, तो आपको लगता है जस्टिफाइड? नो, आई डोंट थिंक ये वर्थ इट नहीं है। मैं जब ले रहा था जिनसे ली थी उनको भी मैंने ये बोला था कि ये, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक देखी थी, मुझे जब पसंद आई थी तो मैंने देखा था तब ये ऑलमोस्ट 125-120 तक आती थी, और तब 125 होता था 1 लाख 5, 1 लाख 7। ये अगर 180 की भी होना फिर भी समझ आता है, बट 3 लाख, मतलब 3 लाख के हिसाब से बहुत महंगी है। फिर आग लगा दें? नहीं नहीं भाई, महंगी बाइक है। अच्छा, महंगी बाइक है यार। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि यार आपको लोगों को याद होगा कि जैसे 125 या 70 होंडा जो पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से है, वो मतलब क्या किया करता था कि मतलब उसकी 30 साल से एक ही बाइक आ रही होती थी और उसके अंदर सिर्फ स्टिकर चेंज होते थे। तो अब इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि 2015 के अंदर ये बाइक आ रही थी, तो 2015 से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से इसके स्टिकर्स चेंज हो गए थे, इसके मीटर के अंदर ये जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी ऑलमोस्ट सेम था। सही है, बाकी सारी जो मेन आप देखें ना, मेन तो यही चीज़ नज़र आती है। सही है, तो उन्होंने इसको ही चेंज करते गए और मीटर उन्होंने चेंज किया था, ये भी काफ़ी टाइम बाद किया था, फ़ौरन नहीं किया था। सही है। अच्छा, वैसे आपको पता है इस स्टिकर के पीछे की साइंस क्या है? नहीं, मुझे नहीं। आपको एक सिक्योरिटी नहीं फील होती है बाइक पर बैठ के कभी कभी? नहीं यार, आपने अक्सर देखा होगा ब्लू और जो रेड का इस्तेमाल है वो हर जगह पे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर आप जब भी फिर होते हैं तो पुलिस को आपने देखा होगा अक्सर उनके वैंस के ऊपर ब्लू और रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर से पुलिस लिखा हुआ होता है। तो बेसिक इस बाइक का जो मकसद है ना, इसके स्टिकर की जो साइकोलॉजी है, पुलिस का साइन है, वो पुलिस का साइन है, वो आपको सिक्योर फील कराना चाहता है। सही सही, मतलब आप इस बाइक को चलाएं, उसको चला के आपको लगे कि यार आप किसी सिक्योर चीज़ पर बैठे हैं, मतलब इसकी वर्थ बन गई थी, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा बन गई है 3 लाख रुपए के अंदर। मतलब आप देखें ना, 160 की बाइक है, बाकी सारे स्टिकर के पैसे हैं। बिल्कुल, क्योंकि चेंज तो वही करते हैं ना, मुझे भी ये लग रहा है। और उसके अलावा बाकी अगर आप बाइक देखें तो मेरे ख्याल से इसके अंदर मैंने मैक्सिमम, अच्छा इन्होंने एक चेंज किया अब। क्या? अब जो बाइक आया है उसमें इन्होंने एक कलर लॉन्च किया है, मैट ग्रे कलर, ठीक है। अच्छा, जिसमें जहाँ पर आप ये ब्लू और रेड लाइंस देख रहे हैं उसमें ना नियॉन ग्रीन सा टच दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत बाइक है, बस वो है पूरा मैट। तो मैंने बेसिकली वो बुक करवाया था, बट आपको पता पाकिस्तान में कोई डिफरेंट चीज आ जाए तो वो ऐसे गायब हो जाती है, तो वो मैंने खैर रोड्स पर तो कहीं नहीं देखा। बुक करवाया क्या मतलब है, ये बुक क्यों करवाई थी भाई? बुक करवाया मतलब नहीं, स्टॉक नहीं था, कोई यामाहा के इश्यूज थे कि कम बाइक जो बन रही थी पहले, वो मेरे ख्याल से 1 मंथ में 500 बाइक्स पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। हाँ। या आई डोंट थिंक सो लाहौर या पंजाब में शायद। सही है। तो अब वो जो है उसकी जो क्वांटिटी वो कम कर दी, वो 300 बाइक्स आ रही थी, इस तरह का कोई मुझे उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा इस बार जो बाइक्स आई हैं वो रेड आई हैं सिर्फ। तो अच्छा, मैंने कहा मैं रेड पे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं ब्लैक के साथ जो है वो कर सकता हूँ ग्रे को है चेंज, बट मैं रेड के साथ नहीं जाऊँगा। और वो ग्रे कलर इससे 3000 महंगा था। अच्छा, मतलब क्या हालात आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको बाइक लेने के लिए बुक करवानी पड़ी? Exactly. इस पे ऑन है? हाँ, मुझे ये बाइक ऑलमोस्ट बुक करवाने के 15 से 17 दिन बाद मिली थी।
सही है, और अगर मौके पर लेते तो कितने की पड़ती है? मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मैं जब गया था जब मैं लेने गया था तब 15,000 कम थी, 245 की थी। अच्छा अच्छा, हाँ 15-16,000 कम थी, तो मतलब 15,000 पाउंड चल रहा था इस पर, आई थिंक सो। यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 15,000 रुपये ऑन इस बाइक के ऊपर। मतलब मैंने ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा सुना, और मेरे ख्याल से यही बाइक थी इसके ऊपर हमने आर्टिकल वगैरह भी लिखे थे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि बाइक्स के अंदर जो ऑन स्टार्ट हुआ ना वो इस बाइक पे स्टार्ट हुआ। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत बैक टू बैक ऊपर गया है। हाँ। जब मैंने बुक करवाया था आज से एक महीना पहले, हाँ। तब 245 था, फिर 266 हुआ, हाँ। और अब 292 है। सही सही सही, तो कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना। तो यार ये बाइक वाले सिस्टम में तो ऑन मुझे नहीं ऐसा लगता, मतलब यार ये बाइक नो डाउट अच्छी है, मतलब कि अगर आप भी हैं कंफर्ट भी है, बट कंफर्ट वाइज नहीं है ये, कंफर्ट वाइज अच्छी है। आपने इसके अलावा कोई सुजुकी किया, प्राइडर वगैरह इस टाइप की कोई बाइक चलाई? नहीं, वैसे मुझे वो बाइक्स हैं बहुत कंफर्टेबल, चलाई भी है, बट वो थोड़ी अंकल टाइप की बाइक्स लगती है, बॉयज टाइप नहीं लगती। इनकी भी जो वो 150Z है, जो Z है, हां 125Z, वो जो है वो वाकई जब लेने गया था वो वहाँ पर थी, बट वो इतने मजे की नहीं थी, वो जरा वाकई अंकल टाइप की लुक है, और वो बेसिकली है भी उसी टारगेट मार्केट है, मैसेस के लिए। हाँ, मेरा ख्याल ये वाले उन्होंने बनाई थी बेसिकली यंगस्टर्स। इसमें भी दो आते हैं ना, एक जी है और एक सिंपल YBR है, तो मुझे सिंपल इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसकी ये जो साइड है वो आप देख सकते हो थोड़ी ट्रेल शेप में, और वो थोड़ी बड़ी है। टायर्स के ओरिजिनल है? जी, इसके ओरिजिनल टायर। अच्छा, ओरिजिनल टायर। टायर्स बहुत अच्छे हैं इसके। हाँ, टायर्स वाकई बहुत अच्छे और काफी बड़े भी हैं, और रिम के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी अच्छे भरे हुए लगती है बाइक। एग्जैक्टली। और इसके अलावा इस बाइक के अंदर क्या है? दो पहिए, मैंने ये चेंज करवा दिए थे, आफ्टर मार्केट लगवाए थे। अच्छा, ये ऑडी स्टाइल इसके वो एक आते हैं इंडिकेटर। सही है ये, तो मैंने कहा ऑडी तो ली नहीं तो उसके मजे ले लें थोड़े से, क्योंकि मेन तो आपको पता ऑडी भी ये जो है इंडिकेटर्स की वजह से फेमस है। ये मैंने इसलिए चेंज करवाए थे क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है, आपको पता है इसके जो इंडिकेटर्स है वो काफी बड़े आते हैं, तो वो कोई ना कोई मार जाए तो वो जितने खूबसूरत लगते हैं लगे हुए, हाँ। उतने ही ज्यादा बुरे लगते हैं वो टूटे हुए। दैट्स व्हाई मैंने इसको लेते साथ ही 2 से 3 दिन बाद ही चेंज करवा दिया। प्लस मैंने इसके ऊपर पूरी वो एक शीट होती है PPF, ट्रांसपेरेंट PPF, वो लगवा दी। अच्छा, तो यार इतनी बातें बताया जा रहे हो, मुझे बताया जा रहे हो जगह भी चेंज कर लिया, मुझे ये तो बताओ कि इसकी मेंटेनेंस का क्या सीन है, मतलब कितनी ट्यूनिंग वगैरह क्या कॉस्ट करती है? और यार एक चीज जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि वर्थ इट नहीं है, वहाँ पर कुछ चीजें अच्छी भी है जो यामाहा ने की है। जैसे जब ये मैंने बाइक लिया था तो उन्होंने मुझे 5 जो है ट्यूनिंग कूपन दिए थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब ऑलमोस्ट 1,000 पूरा होने वाला है, तो उसकी बुक पे लिखा होता है या तो 1 मंथ के बाद या 1,000 के बाद ट्यूनिंग करनी ही करनी है। ठीक है, अब इसका जो ऑयल वाला सीन है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मेरे ख्याल से 1,000 या 1,500 तक इसका लगेगा, क्योंकि मेरे पास पहले 70 थी, उसका अप्रॉक्सीमेटली 800 के अंदर सारा काम हो जाता था, 700-800 के अंदर ऑयल चेंज हो। इसका मेरे ख्याल से ऑयल का वो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इंजन बड़ा है, इंजन बड़ा है। अच्छा, इतनी सारी बातें कर रहे हो, इसका फ्यूल टैंक इतना बड़ा है तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या? अच्छा, मैं अब आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। फ्यूल टैंक में आपको बता देता हूँ, 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और जब मैंने लिया था मैंने इसको फुल करवा दिया, और मैंने देखना था कि कितने जो है ये कितने किलोमीटर चलता है, तो मैंने जो है देखा और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार ये कितने मजे का है कि फ्यूल गेज यहाँ पर है कि फ्यूल ख़त्म होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो जब फुल करवाया तो वो तब तो भाई फुल नीडल ऊपर थी, जैसे जैसे भाई आप चलाते हो सफर में आप देखते हो नीडल को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो नहीं, ये छुपी होनी चाहिए थी, वो एंजाइटी होती रहती है। एग्जैक्टली, एंजाइटी होती है। और ये मुझे क्लेम किया था उन्होंने जब लिया था कि 45 करेगी, लेकिन 40 कर रही है, 40 करेगी। मेरे ख्याल से वो भी बिल्कुल नहीं पाएगा, थोड़ी सी चलेगी और उसके बाद फिर हाँ हो जाएगी, लेकिन अभी सेकंड टैंक पे मुझे इसने 42 तक दिया। अच्छा, तो सर 125 तो मैंने काफ़ी चलाया हुआ, उसके अंदर तो यार एक वाइब्रेशन मोड आता है, मतलब चौथे गियर के अंदर 80 से ऊपर जाओ तो वो फुल वाइब्रेटर ऐसा ना, आपको ऐसा लगता है आप मसाजर में बैठे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। राइडिंग कम्फर्ट कैसा है? यार इसका राइडिंग कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो मेन चीज़ है इसमें 5th गियर भी है, हाँ। तो इसमें 5 गियर्स हैं, तो ये बहुत तो अच्छी स्मूथ रहती होगी, बहुत स्मूथ रहती है। सही है। सीट जो है इसकी वो बहुत कंफर्ट के लिहाज से देखा जाए तो मेन तो सीट आती है ना, ठीक है। सीट बहुत अच्छी है। एक चीज है बाइक थोड़ा हैवी है, हाँ। लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम से चलता है, और मतलब अच्छा मुझे तो सर, चलने के बाद तेज स्पीड में आने के बाद रुकता कैसा, ब्रेक्स कैसी है? अच्छा, ब्रेक्स की बात की जाए तो एक और प्लस पॉइंट यामाहा की तरफ से वो ये है कि इसमें फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक है, हाँ। तो एक चीज़ आपको 125 में नहीं मिलती। अच्छा, 125 में उन्होंने बताया कि आप स्पीड लगाएं और बस निकल जाएं, हाँ। लेकिन उसमें रुकने का सिस्टम बहुत कम है। मैंने बहुत यूज़ किया 125, तो उसके मुकाबले इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे इशारा करो तो बाइक आपकी रुक जाए। अभी तक एक इशू है मुझे, वो न्यूट्रल वाला, क्या कि न्यूट्रल करना थोड़ा सा इसको मुश्किल। अच्छा, हाँ, वो आप ऊपर नीचे हाँ, करते रहते आदत पड़ेगी तो हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। सही एक है। इसका और मुझे जो है ना इश्यू है, हाँ। जो सबसे ज्यादा खास तौर पे अभी मानसून के जो मंथ चल रहे हैं, बारिशों में आपको पता है बिल्कुल लाइट सी भी रोड वेट हो ना, हाँ। तो ये चल रही हो तो ये फ्रंट टायर का इसका जो मड गार्ड है आप देखें ये छोटा है, तो यहाँ से छींटे सीधी आपके पैरों के ऊपर वो नहीं है, ये ऐसे ये छोटा है,
अगर ये इधर तक होता ना तो फिर बहुत अच्छा होता। अच्छा इसके बैक पे भी वो नहीं है? बैक पे हाँ वो मतलब वो लगवाना पड़ता, मतलब अगर वो नहीं है जिसे आसान में दुमची कहते हैं वो नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो बारिशों में वो तंग करती होगी। हाँ, नहीं लेकिन पीछे का फिर भी बेहतर है क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे का यहाँ तक मड गार्ड आ रहा है और वैसे गैप भी काफी ज्यादा है ना तो वो थोड़ा सा उड़ के रुक जाता होगा। एग्जैक्टली, लेकिन ये मुझे इसने बहुत तंग किया बहुत ज्यादा। मैं इसके पीछे कुछ देखूंगा अगर आफ्टर मार्केट लग सका तो। आजकल तो आप चला भी बारिशों में रहोगे, बारिशों में लिया। हाँ लेकिन मैं बहुत, मेरा यूजेज बहुत कम है, मेरा डेली का जो चलाना होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली कोई 30-40 किलोमीटर ही होगा। साउंड कैसी है यार? 125 तो बिकता साउंड के। हाँ, इसका क्या सीन? अच्छा इसमें आपको जो YBR यूजर्स होंगे उनको पता होगा जब स्टार्टिंग में ये बाइक आया था तो इसको एक बिल्कुल साइलेंट, जैसे हाइब्रिड कार होती है ना, बिल्कुल लाइट सा साउंड होता था। तो ये बॉयज टाइप बाइक बनाई थी तो बॉयज को आपको पता साउंड चाहिए होता है। कुछ लोगों ने आउटर मार्केट भी लगाया था लेकिन मैं इसमें नहीं लगवाऊंगा क्योंकि वो बड़ी बाइक्स में ही अच्छा लगता है। तो इसमें इन्होंने फिर चेंज कर दिया था कुछ टाइम के बाद, फिर ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो गया था कि इसमें एक ब्लैक कलर का इन्होंने ये जो है साइलेंसर दे दिया था और उसके ऊपर ये जो है क्रोम का एक वो। हाँ एग्जैक्टली, तो इसका साउंड भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मतलब 1-5 जितना हो गया था इसका। सही, तो अब इसकी साउंड अच्छी लगती है। हाँ मतलब ठीक है, तो चलो इसका साउंड भी चेक करा दो। हाँ मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ। ये जितना भी आप साउंड देख रहे हैं ना, पहले बिल्कुल इसका साइलेंट होता था, मतलब कोई बाइक आई आपको पता ही ना चले। सही है। अब इसका फिर भी मतलब कह लो कि जो लोग ले रहे हैं वो कह रहे ठीक है यार इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी साउंड हो जाए तो नॉइस पोल्यूशन आपको पता है। सही है। अच्छा तो ये दोनों सेल्फ स्टार्ट है, मतलब ये वाली भी सेल्फ स्टार्ट है और जिसके अलावा सिंपल वाई भी आती है? जितनी वाई भी आ रहे हैं वो सारी सेल्फ स्टार्ट। अच्छा तो यार मुझे तो यार जेन्युइन बात है बाइक बहुत अच्छी लगी और जेन्युइन बात है अगर आप इसे 125 से कंपेयर करो ना ये बहुत अच्छी है। सिर्फ एक पॉइंट है यार ये प्राइस वाइज, मतलब प्राइस वाइज बाकी बहुत ज्यादा है, वरना वैसे अगर देखा जाए तो फीचर वाइज बाइक काफी अच्छी है। अंडर 2 लाख आए तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। अंडर 2 लाख तो सर ये मतलब अब बड़ा मुश्किल हो गया इस बाइक का आना, 1 लाख ऊपर चला गया। हाँ मतलब 3 लाख रुपए में यार आपको यूज्ड गाड़ी में बड़ी अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। तो अगर आप नई की तरफ जाते हो तो आपने ये देखने, तो अगर आप वैसे यूज्ड के अंदर भी आप देख सकते हो ना ये। एग्जैक्टली, हाँ तो यार अगर आप लोग क्या सोच रहे हो टेंशन नहीं लेनी, नई वाली 3 लाख की है, पुरानी वाली अभी भी आपको सस्ती मिल जाएगी। तो अभी जाओ पार्कफिट के ऊपर, यूज्ड बाइक का सेक्शन खोलो, वहाँ पे जाके अपनी मर्जी की बाइक ढूंढ लो जाके, ठीक है ना। और अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपसे बहुत मिलकर अच्छा लगा यार। इन्होंने बताया था कि इनके यूट्यूब का चैनल भी है, उसका नाम क्या है? HM Vlogs। और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उनको भी जाके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।